सबसे पहले ना आप लोगों को एक काम करना है, कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल वी दबाओ एंड यहाँ पर आप लोग रीनेम कर दो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको एम थ्री प्रो की। मतलब आपको पता भाई, पोको एम थ्री प्रो फोन लॉन्च हुआ था एंड उसी को ही मतलब जुड़वा, आपको पता है जुड़वा मतलब उसी को, डिट्टो जो कहते हैं, उसी को ही रीनेम कर दो। बस अपना रेडमी नोट 20 बन जाओ। हाँ, बस यही फ़र्क है दोनों फ़ोन के अंदर, बस यही फ़र्क है, लिटरली यही फ़र्क है दोनों फ़ोन के अंदर। सो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पोको एम थ्री प्रो या फिर रेडमी नोट 20 या फिर रेडमी नोट 20 या फिर पोको एम थ्री प्रो, मतलब क्या बोलूँ मैं, दोनों सेम ही फ़ोन है। इन दोनों को एक फ़ोन को उसी फ़ोन से कंपेयर करने वाला और बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फ़ोन रहने वाला है। देखो, मैं आप लोगों को ना स्पेसिफिकेशन बताता हूँ रेडमी नोट 20 की या फिर पोको एम थ्री प्रो की, एंड उसी को ही आप लोग कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देना, वही आपका दूसरा फ़ोन बन जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड या शेयर कर लेना, उसके तुमने इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो भी सबसे पहले बात करते हैं अपने रेडमी नोट 10T के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की, या फिर बोला जाए पोको एम थ्री प्रो के। तो इधर भी आपको मतलब दोनों ही फोन में आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस का आईपीएस पहले मिलता है, 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों ही फोन में आपको पंच होल मिलती है, प्लास्टिक बैक मिलती है, बैक साइड में आपको 3 कैमरे मिलते हैं। हाँ, फ़र्क आता है डिज़ाइन का फ़र्क। मेरे को पोको एम थ्री प्रो का डिज़ाइन बहुत ही बेकार लगा, वहीं मेरे को रेडमी नोट 10T का डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगा है। बात करते कैमरे की, तो दोनों ही फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग के लिए। फुल एचडी से आप लोग मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है। प्रोसेसर की बात करते, दोनों ही फोन में आपको डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो आपको 5G प्रोसेसर मिलता है, 7 का प्रोसेसर मिलता है, माली G57 का आपको GPU मिलता है। बैटरी की बात करते, दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, दोनों ही फोन आपके 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं दोनों ही फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, दोनों ही फोन में आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स का मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं, फर्स्ट 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 405 की PPI मिल जाती है, 180 हर्ट्ज़ का टच रिस्पॉन्स रेट मिल जाता है, MIUI 12 मिल जाता है एंड एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। अब एक फर्क आता है जो अपने पोको के फोन में आता है, कि आपको पोको के फोन के अंदर पोको लॉन्चर मिलता है, वही रेडमी के फोन के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट और मिलेगा फ्यूचर के अंदर, बाकी अपडेट वगैरह से भाई मेरा विश्वास उठ चुका है जब से मतलब मैंने पोको को देखा है, कैमरे की ऐसी की तैसी मतलब भाई अपडेट से मेरा विश्वास उठ चुका, बट स्टिल आपको रेडमी नोट 10T के अंदर फ्यूचर में एक अपडेट मिलेगा, जिस तरह आपको अडेप्टिव सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आपकी डिस्प्ले खुद स्विच होती रहेगी, कब उसको 60 जाना है, कब 90 जाना है, कब 30 जाना है, तो ये सब चीज़ आपकी डिस्प्ले खुद देखती रहेगी। बट पोको के फोन के अंदर अभी पता नहीं कि पोको एम थ्री प्रो के अंदर ये अपडेट आएगा या नहीं आएगा, बट रेडमी वालों ने बोला है कि उनके फोन के अंदर ये वाला अपडेट आएगा। तो दोनों फोन के अंदर अगर मैं आपको फर्क बताऊँ तो पहला तो डिज़ाइन का फर्क आएगा, दूसरा फर्क आएगा आपको पोको के फोन के अंदर पोको लॉन्चर मिलेगा एंड रेडमी के फोन के अंदर आप लोगों को अडेप्टिव सिंक का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको फ्यूचर में अपडेट के थ्रू मिलेगा। तो अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, दोनों फोन में आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाते हैं 14,000 के प्राइस पे, बट आपको रेडमी के फोन के साथ HDFC के कार्ड पे 1,000 का ऑफ मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास कार्ड है HDFC का, देन आप लोग रेडमी नोट 10T को 13,000 में बाय कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे मैं होता तो मैं इन दोनों फोन में से कौन सा फोन पिक करता, तो मैं तो रेडमी नोट 10T को पिक करता, क्योंकि इसका डिजाइन मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा है, मेरे को पोको M3 Pro का डिजाइन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मेरे साथ रहा है भाई, मेरे को ना पोको के डिजाइन कभी इतना पसंद ही नहीं आया, चाहे आप पोको X2 की कर लो, X3 Pro की कर लो, एंड मतलब जो भी है पोको के फोन वगैरह है, मेरे को उनका डिजाइन इतना कुछ खास लगा नहीं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया, दोनों क्या ही बोलूं यार मैं, मतलब आपको कौन सा, मतलब यार सीधी सी बात है, जो फोन आपको कम प्राइस पे मिल जाए ना वही फोन बाय कर लो, सीधी सी बात है, दोनों सेम ही फोन है। बट हाँ, रेडमी में एक मेरे को सीरियसली सही चीज लगी, इधर आपको अडेप्टिव सिंक का ऑप्शन मिलता है जो आपकी बैटरी वगैरह सेव करेगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय वगैरह बताओ कि भाई ये कॉपी पेस्ट का क्या सीन, आपको क्या लगता है कि ये चीज और होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी बढ़िया ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।